हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। आई होप यू ऑल आर फाइन। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे लिपिड प्रोफाइल के बारे में। वैसे तो मोस्ट ऑफ द पीपल नो अबाउट लिपिड प्रोफाइल, क्योंकि ये आजकल जनरल हेल्थ चेकअप में करवाया जाता है। फिर भी इसके बारे में बहुत सारी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां हैं जो कि मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड क्या होता है। कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड के हाई होने पर हमारी बॉडी में क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड के लिए कौन से टेस्ट करवाए जाते हैं और टेस्ट से पहले कौन कौन से सावधानी रखनी चाहिए और टेस्ट की नॉर्मल वैल्यू क्या होती है और लिपिड प्रोफाइल हमें कब करवाना चाहिए या कौन कौन सी कंडीशन में बड़े हुए आ सकते हैं और इसके प्रिवेंशन के लिए यानी बचाव के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं कोलेस्ट्रॉल क्या होता है। तो कोलेस्ट्रॉल एक सब्सटेंस होता है जो हमारे शरीर के अंदर ही लीवर के अंदर बनता है, जो हमारे शरीर में नॉर्मल फंक्शन के लिए अत्यंत आवश्यक सब्सटेंस होता है। क्योंकि कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर की हर एक सेल की सेल मेम्ब्रेन बनाने में हेल्प करता है, इसके अलावा जो हमारे हार्मोन्स होते हैं उसको बनाने में भी हेल्प करता है। तो अब सवाल उठता है कि कोलेस्ट्रॉल जब इतना इम्पोर्टेंट सब्सटेंस है तो फिर हमारे लिए हानिकारक कैसे हो सकता है। तो हर चीज का एक लिमिट में होना आवश्यक होता है। लिमिट से ज्यादा कोई भी चीज हार्मफुल हो सकती है। तो हार्ट की बीमारी का जो मेजर कारण होता है वो होता है कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड। और हार्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए जो होता है वो होता है एचडीएल, जिसे हम गुड कोलेस्ट्रॉल भी कहते हैं। तो क्या होता है कि हमारे शरीर में जो ब्लड वेसल्स होती हैं, यानी कि जो खून की नलियां होती हैं, उनमें जब कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड जमने लग जाते हैं तो उसमें ब्लॉकेज पैदा हो जाते हैं और उसकी वजह से ब्लड फ्लो यानी कि ब्लड के बहाव में रुकावट आती है, तो जिसकी वजह से हार्ट अटैक या ब्रेन स्ट्रोक जैसी गंभीर बीमारियां हो सकती हैं। इसलिए हमें एक्सेस कोलेस्ट्रॉल या ट्राइग्लिसराइड को कंट्रोल करना बहुत जरूरी होता है। तो अब देखते हैं ट्राइग्लिसराइड क्या होता है। तो ट्राइग्लिसराइड एक तरह का फैट होता है जो कि ऑयल, बटर, घी या फिर ड्राई फ्रूट्स खाने की वजह से हमारे शरीर में पहुंचता है और फिर हमारे इंटेस्टाइन के थ्रू एब्जॉर्ब होके हमारे ब्लड में पहुंचता है। फैट्स के अलावा भी जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स हम खाते हैं जैसे कि शुगर या मैदा, यह हमारे इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होते हैं और ब्लड में जाके ट्राइग्लिसराइड में कन्वर्ट हो जाते हैं और ये हमारे फैट सेल्स में जाकर डिपॉजिट हो जाते हैं। तो अब सवाल आता है कि क्या ट्राइग्लिसराइड हमेशा हानिकारक होता है? तो नहीं, एक नॉर्मल लिमिट के अंदर ट्राइग्लिसराइड भी हमारे लिए आवश्यक होता है, क्योंकि जब हमें एनर्जी की जरूरत होती है तो जो डिपॉजिट हुआ ट्राइग्लिसराइड होता है वो ब्रेक डाउन होकर हमें एनर्जी देता है। तो आइए अब हम बात करते हैं कोलेस्ट्रॉल या ट्राइग्लिसराइड के लिए कौन कौन से टेस्ट करवाएं और टेस्ट से पहले कौन कौन सी सावधानियां रखें। तो एक टेस्ट होता है लिपिड प्रोफाइल, जिसके अंदर हम चार पांच तरह की जांच करते हैं, जिसमें होता है टोटल कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, एचडीएल यानी कि हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन जिसे हम गुड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, और दूसरा होता है एलडीएल लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन जिसे हम बैड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, और एक होता है वीएलडीएल वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। तो आप समझते हैं कि जब भी लिपिड प्रोफाइल की जांच करवानी हो तो हमें क्या क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए। तो लिपिड प्रोफाइल की जांच हमेशा खाली पेट करवाएं, यानी कि 12 घंटे का फास्टिंग होना जरूरी होता है। अगर हम खाना खाने के बाद लिपिड प्रोफाइल करवाते हैं तो जो ट्राइग्लिसराइड एब्जॉर्ब होकर हमारे ब्लड में पहुंचता है और उसकी वजह से टेस्ट का रिजल्ट वेरी कर सकता है। तो आइए अब हम बात करते हैं कोलेस्ट्रॉल की नॉर्मल रेंज क्या होती है। तो लेस देन 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर डिजायरेबल होता है, बट मेरी ये पर्सनल एडवाइस है कि आप कोशिश करें कि आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल 150 या 160 मिलीग्राम पर डेसीलीटर के नीचे ही रखें। और जब कोलेस्ट्रॉल लेवल 200 से 239 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होता है तो इसे हम बॉर्डरलाइन कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, और अगर कोलेस्ट्रॉल लेवल मोर देन 240 मिलीग्राम पर डेसीलीटर आता है तो इसे हम हाई लेवल कहते हैं। तो दूसरा होता है एचडीएल यानी कि हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, इसे हम गुड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं क्योंकि ये ब्लॉकेज के अंदर जाके ब्लॉकेज को तोड़ने का काम करता है, इसलिए हमेशा एचडीएल का लेवल हाई होना चाहिए। तो अब देखते हैं एचडीएल की नॉर्मल वैल्यू क्या होनी चाहिए।
तो मोर देन 60 मिलीग्राम पर डेसीलीटर डिजायरेबल होती है, यानी कि 60 मिलीग्राम के ऊपर हमेशा एचडीएल लेवल होना चाहिए। और अगर एचडीएल लेवल 40 to 60 मिलीग्राम पर डेसीलीटर हो तो इसे हम बॉर्डरलाइन कहते हैं, और अगर एचडीएल लेवल लेस देन 40 मिलीग्राम पर डेसीलीटर हो तो यह अनडिजायरेबल होता है, यानी कि इससे कम लेवल नहीं होना चाहिए। अगला होता है एलडीएल, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, इसे हम बैड कोलेस्ट्रॉल भी कहते हैं, क्योंकि यह हमारे ब्लड वेसल्स में जाके जमा हो जाता है और ये ब्लॉकेज का कारण बनता है, और इसी वजह से हार्ट अटैक या ब्रेन स्ट्रोक जैसी गंभीर बीमारियां होती हैं। इसलिए हमेशा हमें एलडीएल का लेवल कम रखना चाहिए। तो आइए अब देखते हैं कि इसकी नॉर्मल रेंज क्या होती है। तो लेस देन 130 मिलीग्राम डिजायरेबल होता है, लेकिन आप कोशिश करें कि 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर के नीचे हमेशा एलडीएल लेवल रहे, और 130 मिलीग्राम से 159 मिलीग्राम पर डेसीलीटर बॉर्डरलाइन में आता है, और मोर देन 160 मिलीग्राम पर डेसीलीटर एलिवेटेड यानी कि हाई कहलाता है। अब देखते हैं ट्राइग्लिसराइड का नॉर्मल वैल्यू क्या होनी चाहिए। तो लेस देन 150 मिलीग्राम पर डेसीलीटर डिजायरेबल होता है, लेकिन आप कोशिश करें कि आपका ट्राइग्लिसराइड लेवल हमेशा 130 मिलीग्राम पर डेसीलीटर के नीचे रहे, और 150 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से 199 मिलीग्राम पर डेसीलीटर बॉर्डरलाइन कहलाता है, और 200 मिलीग्राम से 499 मिलीग्राम पर डेसीलीटर हाई कहलाता है, और मोर देन 500 मिलीग्राम पर डेसीलीटर वेरी हाई कहलाता है, जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत ही हानिकारक होता है, और यह हमारे शरीर में हार्ट अटैक या ब्रेन स्ट्रोक जैसी गंभीर बीमारियों का कारण होता है। तो आइए अब बात करते हैं लिपिड प्रोफाइल कब करवाना चाहिए या कौन कौन से कंडीशन में ये बढ़े हुए आ सकते हैं। तो आप बीमारी होने का इंतजार ना करें और एक जनरल हेल्थ चेकअप के रूप में आपको लिपिड प्रोफाइल करवाना चाहिए, क्योंकि अगर हमारे ब्लड में कोलेस्ट्रॉल या ट्राइग्लिसराइड बढ़े हुए भी हों तो भी अनफॉर्चुनेटली हमें इसके कोई भी सिम्टम समझ में नहीं आते हैं, और जब हम जनरल चेकअप के लिए ब्लड टेस्ट करवाते हैं तभी हमें पता चलता है कि हमारे तो लिपिड्स बढ़े हुए हैं। बहुत सारे केसेस में ये जेनेटिकली हाई होता है, तो अगर आपने लिपिड प्रोफाइल करवाया और वो हाई आता है तो हो सकता है कि आपको अंदर ही अंदर हार्ट की बीमारी हो गई हो, और इसके अलावा अगर आपका ब्लड प्रेशर हाई हो, शुगर हो या फिर मोटापा हो, तो ऐसे केस में एक और टेस्ट होता है जिसे हम सीटी कोरोनरी स्कैन कहते हैं, वो टेस्ट करवाना बहुत जरूरी हो जाता है। तो आइए अब हम देखते हैं कि कब कब लिपिड्स बढ़े हुए आ सकते हैं। तो एक होता है सिडेंट्री लाइफस्टाइल, यानी कि आप आराम ज्यादा करते हैं और एक्सरसाइज नहीं करते हैं। दूसरा होता है पुअर डाइट हैबिट, यानी कि आप संतुलित आहार नहीं लेते हैं, या आप खाने में ज्यादा जंक फूड लेते हैं, फैट्स ज्यादा लेते हैं, या फिर इररेगुलर टाइम पे खाना लेते हैं। अगला होता है ओबेसिटी, अगर आपको मोटापा है तो इस कंडीशन में भी आपके लिपिड्स बढ़े हुए आ सकते हैं। एक होता है अगर आप अल्कोहल के आदी हैं या फिर आप नॉनवेज ज्यादा लेते हैं तो इस कंडीशन में भी लिपिड्स बढ़ जाते हैं। अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री हो, जैसे कि फैमिली में किसी को लिपिड्स बढ़े हुए हैं, तो आपको भी लिपिड्स बढ़े हुए आ सकते हैं। और अगर आप डायबिटिक हैं या आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ रहता है तो इस कंडीशन में भी आपको लिपिड प्रोफाइल जरूर करवाना चाहिए, क्योंकि ऐसे में भी लिपिड बढ़े हुए आ सकते हैं। और अगर आपकी एज 45 इयर्स के अबो है तो आपको जनरल चेकअप में लिपिड प्रोफाइल करवाते रहना चाहिए, लेकिन आजकल हम जिनकी एज 30 ईयर के ऊपर है उनको भी हम एक जनरल हेल्थ चेकअप के लिए लिपिड प्रोफाइल करवाने की एडवाइस देते हैं, क्योंकि आजकल लोगों की सिडेंट्री लाइफस्टाइल ज्यादा हो गई है। टीवी, मोबाइल या कंप्यूटर की वजह से लोग ज्यादातर समय घरों में निकालते हैं और फिजिकल एक्टिविटी कम हो पाती है। तो आइए अब हम बात करते हैं प्रिवेंशन यानी बचाव की। तो हमें कोलेस्ट्रॉल या ट्राइग्लिसराइड लेवल को बढ़ने से रोकने के लिए क्या क्या करना चाहिए। तो सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि आप रेगुलर एक्सरसाइज करें। एक्सरसाइज में भी आप एरोबिक्स करें या ऐसी एक्सरसाइज करें जिसकी वजह से हार्ट रेट बढ़ती हो, यानी कि दिल की धड़कन बढ़ती हो। और दूसरा होता है डाइटरी मैनेजमेंट, जिसमें हमें संतुलित आहार लेना चाहिए। जो नॉनवेज लेते हैं उन्हें नॉनवेज और दूध बंद कर देना चाहिए, क्योंकि ये दोनों कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने में हेल्प करते हैं। ट्राइग्लिसराइड लेवल को कम करने के लिए आप तेल, घी, बटर या ड्राई फ्रूट्स लेते हैं तो ये बंद कर दें,
क्योंकि ये ट्राइग्लिसराइड लेवल को बढ़ाने में हेल्प करते हैं। अगर आपको तेल का यूज करना है तो अच्छी क्वालिटी का ऑयल जैसे कि ओलिव ऑयल का यूज करें। और कुछ अच्छे फूड्स जैसे कि वॉलनट, ओट्स, हरी सब्जियां या फ्रेश फ्रूट का यूज करें। यह हमारे कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड लेवल को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं और इससे आपका एचडीएल लेवल यानी कि गुड कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ता है। और कुछ फूड जैसे कि जंक फूड, फास्ट फूड या नॉन वेज और अंडे का जो अंदर का पीला भाग होता है इसका यूज कम करें, क्योंकि ये हमारे शरीर में बेड कोलेस्ट्रॉल लेवल को बढ़ाता है। और अगला होता है, अगर आपका वेट ज्यादा हो तो अपना वेट को कम करने की कोशिश करें। अगर आपको डायबिटीज, थायराइड या लीवर की प्रॉब्लम हो तो इन्हें चेक करवाएं और इनका ट्रीटमेंट करवाएं, क्योंकि इनकी वजह से भी लिपिड्स बढ़े हुए आते हैं। तो ये सारे प्रिकॉशन रखने के बाद भी अगर आपके लिपिड्स हाई आते हैं तो आप जेनेटिक केस हो सकते हैं और इसके लिए आपको दवाई लेनी पड़ेगी। तो इसमें कोलेस्ट्रॉल के लिए अलग दवाई आती है और ट्राइग्लिसराइड के लिए अलग दवाई आती है, तो आप अपने डॉक्टर के पास जाके प्रॉपर इसका ट्रीटमेंट ले सकते हैं। जब भी आपके कोलेस्ट्रॉल बढ़े हुए आए तो प्लीज डोंट वेट, यू हैव टू टेक केयर। आई होप आज मेरे इस वीडियो से आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मिली होगी। तो फ्रेंड्स, आप अपने फैमिली या फ्रेंड्स को भी ये वीडियो शेयर करें ताकि उन्हें भी इसके बारे में जानकारी मिल सके। थैंक यू, टेक केयर।